रिसेंटली आप लोगों की तरफ से मेरे पास एक क्वेरी आई है एचपी के ओमेन सीरीज के लैपटॉप्स के रिगार्डिंग कि जो एचपी ओमेन सीरीज के अंडर 1 लाख रुपीज वाले लैपटॉप्स है वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं और क्या हमें उन्हें कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो चलिए मैं इस क्वेरी को आंसर करता हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो भी बताऊंगा वो मैं एचपी ओमेन सीरीज के अंडर 1 लाख रुपीज वाले लैपटॉप्स को ध्यान में रखकर बताऊंगा। जो अब 1 लाख रुपीज वाले लैपटॉप मैं उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं अंडर 1 लाख रुपीज वाले लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ ओमेन सीरीज वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पर ये जो ओमेन सीरीज के अंडर 1 लाख रुपीज वाले लैपटॉप्स है ये डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लैपटॉप्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं। अगर आप इन्हें एजूस की टफ सीरीज और इवन खुद की एचपी की पवेलियन सीरीज से भी कंपेयर करेंगे तो जो इस प्राइस रेंज में ये दोनों टफ सीरीज और पवेलियन सीरीज जो स्पेसिफिकेशंस ऑफर करते हैं वो डेफिनेटली एचपी की ओमेन सीरीज से थोड़े बेटर होते हैं इस प्राइस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो एचपी की ओमेन सीरीज है वो बिल्कुल बेकार है, उन्हें बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो एचपी की ओमेन सीरीज है ये एक एचपी की फ्लैगशिप सीरीज है और इस सीरीज के जो भी लैपटॉप होते हैं वो डेफिनेटली थोड़े से कॉस्टली तो होते हैं, पर एचपी का मेन एम यहाँ पर ये रहता है इन सीरीज में कि यहाँ पर जो लैपटॉप्स है इनमें आपको जो भी प्रोवाइड करा जा रहा है वो बिल्कुल टॉप नॉच प्रोवाइड किया जाए, कंसिडरिंग बिल्ड क्वालिटी, थर्मल्स, ये सब आपको एचपी के ओमेन सीरीज में एकदम टॉप नॉच वाले देखने को मिलते हैं। और यही एक वजह है कि यहाँ पर जो ये एचपी के ओमेन सीरीज है यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क लगाने का कोई भी स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, आपको एक एसएसडी लैपटॉप में लगी हुई मिलती है और जो सेकेंडरी स्लॉट मिलता है उसमें भी आप एक एसएसडी ही लगा सकते हैं, आप उसमें एचडीडी बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो एचपी के ओमेन सीरीज में ये इसलिए रहता है ताकि आप एक एचडीडी कभी ना लगा पाए और आप एक एसएसडी को हमेशा यूज करें जिसकी वजह से आपको बिल्कुल एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एक एसएसडी की मदद से, इसलिए यहाँ पर आपको एचडीडी का कोई स्लॉट इस ओमेन सीरीज में देखने को नहीं मिलता है। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर जो ये बिल्ड क्वालिटी है जो कि आपको इस ओमेन सीरीज में प्रोवाइड की जाती है ये बहुत अच्छी होती है और इंडिया में शायद कोई लैपटॉप होगा जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी को मैच कर पाए, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और मेनली यहाँ पर जब हम एक लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर मेनली उसकी हिंज क्वालिटी को ध्यान में रखते हैं क्योंकि एक लैपटॉप में एक अच्छी क्वालिटी का हिंज होना बहुत जरूरी होता है जो कि आपको इस एचपी की ओमेन सीरीज के लैपटॉप्स में देखने को मिलता है। और सेकेंडली जो थर्मल्स आपको यहाँ पर ओमेन सीरीज में प्रोवाइड किए गए हैं ये भी बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पर आपको एसएसडी के ऊपर भी एक हीट सिंक प्रोवाइड किया जाता है और इंडिया में शायद ही कोई ऐसा लैपटॉप होगा जिसमें कि आपको एसएसडी के ऊपर भी एक हीट सिंक प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पर आपको टॉप नॉच के थर्मल्स भी देखने को मिलते हैं। अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं तो वो है यहाँ पर इस लैपटॉप का डिजाइन। तो यहाँ पर आपको इस लैपटॉप में काफी क्लासी लुक देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक वाइट बैकलेट देखने को मिलती है और जो पीछे लोगो है ओमेन का वो भी आपको यहाँ पर एक काफी अच्छी ग्रेडियंट मिरर फिनिश में देखने को मिलता है जो कि काफी क्लासिक लुक देता है इस लैपटॉप को। यहाँ पर जो ओवरऑल डिजाइन होता है ओमेन सीरीज के लैपटॉप्स का वो काफी क्लीन होता है और ओमेन सीरीज के लैपटॉप्स आपको काफी सिंपल एंड सोबर लुक्स के साथ साथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जिन लोगों को परफॉर्मेंस वाइज एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए होता है और लुक वाइज एक काफी क्लासी लुकिंग लैपटॉप चाहिए होता है उन लोगों के लिए मेनली ये ओमेन सीरीज वाले लैपटॉप डिजाइन किए जाते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको कि परफॉर्मेंस वाइज तो एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए होता है पर लुक्स वाइज एक काफी क्लासी और क्लीन लुकिंग लैपटॉप चाहिए होता है तो आपके लिए एचपी के ओमेन सीरीज वाले लैपटॉप्स एक काफी परफेक्ट चॉइस रहेंगे। तो बस यही कुछ बातें थी जिनकी वजह से जो एचपी के ओमेन सीरीज वाले लैपटॉप्स होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं, पर डेफिनेटली अगर वो कॉस्टली है तो आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं बदले में जो कि आपको बाकी लैपटॉप्स ऑफर नहीं करते हैं। तो बस यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे आपको देना था। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और डेफिनेटली कुछ सजेशन हो तो कमेंट में जरूर लिखना और फिर मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।